नमस्कार, मैं हूं इस्लामुद्दीन खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मध्य प्रदेश के हरदा में 12 अक्टूबर की रात शिक्षक कॉलोनी में रहने वाले राजेश राजपूत की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मृतक की पत्नी मनीषा ने फोन कर अपने देवर को हत्या की जानकारी दी। मनीषा का देवर घटना स्थल पर पहुंचकर हत्या की जानकारी पुलिस को दी, मगर पुलिस ने जब इस हत्या की तहकीकात गहराई से की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। राजेश की पत्नी का किसी के साथ प्रेम संबंध था, जिसके बाद पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर प्रकाश फडाक उर्फ राहुल जाट निवासी छोटी हरदा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में जाट ने बताया कि राजेश की हत्या उसी ने की है, क्योंकि राजेश की पत्नी से उसका प्रेम संबंध चल रहा था। आरोपी राहुल जाट ने राजेश से मनीषा को तलाक देने का दबाव बना रहा था। तो उसमें कुछ दो कंडीशंस रहे थे, एक तो मनीषा की डिमांड थी कि साहब जो है वो आधा मेरे नाम से है तलाक को, और आधा मकान बेच को आधा पैसा मुझे दो, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी। और उसका यह था कि पैसा मेरा है, जमीन मेरा है, मकान मेरा है, तो उसको कर तो उसमें तो शेयर कर। दूसरा जो है कुछ ऐसा हुआ कुछ प्रकाश था, मगर राहुल इस प्लान में नाकामयाब होता देख राजेश की हत्या कर दी। हालांकि आरोपी पर 302 के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। वहीं राजेश की पत्नी मनीषा को जानबूझकर सच छुपाने के आरोप में न्यायालय में पेश कर कार्रवाई की जाएगी। इस हत्याकांड को सुलझाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, जिसमें थाना प्रभारी दर श्यामकर, उप निरीक्षक ओपी यादव, सहायक उप निरीक्षक मनोज दबे तथा उनकी पूरी टीम ने सफलता पाने में कामयाब हुई। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।